यहाँ पर पैसे भी ना खर्च हो तो और भी अच्छी बात है। तो इस तरीके के हैंडमेड आइटम हम घर पे ही बना सकते हैं बिल्कुल वेस्ट मटेरियल से, लेकिन इनको बनाने के बाद इनको क्लीनिंग भी उतनी ही इसकी ज़रूरी होती है, क्योंकि इनको अगर क्लीन नहीं करेंगे तो लंबे टाइम तक नहीं चलेंगे और यहाँ पर धूल मिट्टी वगैरह से ये पूरा ख़राब हो जाएगा। तो इसीलिए हमें इनकी क्लीनिंग भी काफ़ी ज़रूरी होती है। तो चलिए आज के आइडिया शुरू करते हैं। यहाँ पर जो मेरा फर्स्ट DIY है, यहाँ पर देखिए स्पून है, ये जो स्पून है मैंने जो सेरेलैक वाले स्पून होते हैं ये उसी के साथ आए थे। तो यहाँ पे उन स्पून की जगह अगर आपके पास ये स्पून नहीं है तो आप नॉर्मल जो प्लास्टिक के स्पून आते हैं डिस्पोजल वाले, आप उन स्पून का भी यूज़ कर सकते हैं। आपको अपने अकॉर्डिंग जो आपको डिज़ाइन डालना चाहते हो उनके अकॉर्डिंग आपको अरेंज करना है और उसके बाद आपको अपने पसंद के अकॉर्डिंग इस पर कलर कर लेना है। तो मैंने तो यहाँ पर इसको पूरा ब्लैक कलर ही किया है। देखिए ब्लैक कलर करने के बाद अब इसके ऊपर हम थोड़ा मिरर से इसको डेकोरेट करेंगे, क्योंकि बिल्कुल सिंपल तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पर देखिए इस तरीके से जो स्पून का ऊपर वाला हिस्सा था उस पर मैंने सभी पे इस तरीके से राउंड मिरर से डेकोरेट कर लिया है। और यहाँ पर इसकी जो कॉर्नर है वहाँ पर भी मैं इस तरीके से देखिए बिल्कुल लाइन वाइज इसमें यहाँ पर मिरर लगाऊंगी। सेंटर में मैंने एक और मिरर लगाया है और उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा इसको और हैवी बनाने के लिए मैंने जो वाइट एक्रेलिक कलर होते हैं उनका यूज़ किया है। आप इसमें कोई भी डिज़ाइन डाल सकते हो अपने सामान के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे मैंने इसको पूरा एक्रेलिक कलर से कर लिया था। उस सेंटर के मिरर को भी थोड़ी सी फिनिशिंग देने के लिए मैंने यहाँ भी एक्रेलिक कलर का यूज़ किया था। आप चाहो तो पूरा इसको एक्रेलिक कलर से भी बना सकते हैं। उसके बाद इसमें जो भी यहाँ पर पेपर लगा हुआ था उसको मैंने हटा के इसको डेकोरेट कर लिया है। काफ़ी अच्छा लग रहा था यहाँ पर, क्योंकि ब्लैक कलर का मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा। आप लोगों को कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। उसके बाद देखिए हमारे किचन से इस तरीके से वेस्ट डिस्पोजल होते हैं, जो कई बार हम अचार मिठाई वगैरह जो भी लेके आते हैं ना तो इस तरीके की बास्केट आती है। कुछ बास्केट पे तो लिड भी होती है लेकिन कुछ बास्केट पे लिड नहीं होती है। तो जिन पे लिड होती है उनको तो मैं वैसे किचन में ही यूज़ कर लेती हूँ, लेकिन जिन पे लिड नहीं होती उनका मैं कुछ ना कुछ इस तरीके से यूज़ कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने ये जूट की डोरी ली है। इस जूट की डोरी को हमें इसके ऊपर पूरा कवर कर देना है ताकि नीचे का जो प्लास्टिक है वो बिल्कुल भी दिखाई ना। आप जूट की डोरी की जगह कोई ऊन मैक्रेम फैब्रिक वगैरह लेस जो आपके पास अवेलेबल हो वो आप लेके इसको डेकोरेट कर सकते हैं। ऊपर की साइड भी देखिए मैंने इस तरीके से जो जूट की डोरी थी उसको ब्रेडेड करके मैंने इसको ऊपर की तरफ लगा दिया था और सेंटर में भी मैं इस तरीके से एक फ्लावर का लुक दे दूंगी ताकि यहाँ पर इसका जो फ्रंट है वो अच्छा लगे, ताकि प्लेन हमें अच्छा लगे ना लगे, इसलिए मैंने यहाँ पर भी फ्लावर लगाते हुए इसको पूरा डेकोरेट कर लिया था। इसका फाइनल लुक मैं आपको इस जस्ट DIY के बाद में बताऊंगी। उसके बाद देखिए मैंने यहाँ पे दो प्लास्टिक कंटेनर और लिए थे, इसके लिड थे लेकिन मैंने लिड कहीं और यूज़ कर लिए थे। तो उसके बाद मैंने यहाँ पर एक ही कलर लिया है, कलर के अंदर मैंने थोड़ा सा टेलकम पाउडर फेविकॉल और जो कलर आपको बनाना है या जो आपके पास कलर है उसके अकॉर्डिंग आपको कलर को सभी को मिक्स कर लेना है। टेलकम पाउडर और फेविकॉल मिलाने से क्या होता है कि हम जो भी प्लास्टिक यूज़ करते हैं ना उस प्लास्टिक पे कलर आपका कहीं भी उतरेगा नहीं, वरना नॉर्मल आप एक्रेलिक कलर डायरेक्ट यूज़ करेंगे तो आपके कहीं भी हाथ वगैरह लगने से वो जो कलर है वो उतर जाता है। इसलिए आप जो भी एक्रेलिक कलर प्लास्टिक पे यूज़ करते हो तो आप उसमें टेलकम पाउडर डाल के यूज़ कीजिए और थोड़ा सा फेविकॉल। अब देखिए बातों ही बातों में मैंने यहाँ पर सभी जो बॉक्सेस थे ना उनको मैंने कलर कर लिया था। अब कलर किस पे कैसे किया है वो आपने देख लिया है और बाकी लास्ट में जो फाइनल लुक दिखाऊंगी तो उसके अकॉर्डिंग आपको पता लग जाएगा कि किस बॉक्स पे मैंने किस तरीके से इन पे कलर किया है। तो यहाँ पे कुछ बॉक्स लिए हैं और यहाँ पे इसमें ये जो डिस्पोजल कॉफ़ी वाले कप होते हैं उनको भी लिया है। इन कॉफ़ी वाले कप में इस तरीके से ऊपर की तरफ हम छेद कर लेंगे और उसके बाद आपके पास जो भी डोरी है आप उस डोरी को ले लीजिए और डोरी को लेने के बाद देखिए इस तरीके से हम दोनों साइड से नॉट लगा देंगे ताकि डोरी है हमारी बिल्कुल भी बाहर ना निकले। और जो हमने प्लास्टिक का बॉक्स लिया था उसके सेंटर में पहले मैंने इसको फेविकॉल से अटैच किया है और यहाँ पर नीचे के साइड से भी फेविकॉल से अटैच कर लेंगे। ये बाद में फिर फेविकॉल सूखने में टाइम लगेगा इसलिए मैंने एक बार इसको टेप से सिक्योर कर दिया है। अब यहाँ पर भी ऊपर की तरफ हम क्या करेंगे इसका फेस ड्रॉ करेंगे। तो फेस ड्रॉ करने के लिए मैंने यहाँ पर जो मेडिसिन होती है उस मेडिसिन के अंदर देखिए बिल्कुल ही राउंड शेप का मेरे पास कुछ इस तरीके के पड़े थे तो यहाँ पे उसमें मैंने आइस कार्डबोर्ड पे बना के उसके पीछे लगा दिए ताकि इसका जो लुक है वो आइस की तरह बिल्कुल 3D लुक आए। और यहाँ पर हमें
देखिए इस तरीके से कलर से इसका फेस भी बना दिया है, आइज़ को भी थोड़ा सा और डेकोरेट कर दिया है। उसके बाद हम इसकी थोड़ी सी यहाँ पे इसके फेस को और अच्छा डेकोरेट कर देंगे। उसके बाद मैंने सेंटर में फेविकॉल लगाया है। अब फेविकॉल सूखने में टाइम फिर से लगाएगा, इसलिए मैंने कॉर्नर कॉर्नर में मैंने जो ग्लूगन होती है उसका यूज़ करते हुए यहाँ पर दोनों बॉक्स को आपस में चिपका दिया है। और उसके बाद देखिए कुछ बटन वगैरह से इसको डेकोरेट कर लिया है। अब आप दोनों का फाइनल लुक देख सकते हैं। दोनों बास्केट जो थी यहाँ पर प्लास्टिक वाली दोनों को डेकोरेट कर दिया है। एक बात और आपको बताती हूँ कि यहाँ पर जब मैंने इस वीडियो को फेसबुक पे अपलोड किया था तो वहाँ मेरे एक फॉलोवर ने देखी सेम टू सेम ऐसा बना के मुझे फ़ोटो भी सेंड की थी, ताकि वो मुझे दिखा रही थी कि दीदी बहुत अच्छा बना था। तो आप भी इस तरीके से घर पर ईजिली इनको ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट DIY है उसमें मैंने यहाँ पर एक कार्डबोर्ड लिया है। जितना बड़ा आपको बनाना है उसके अकॉर्डिंग कार्डबोर्ड ले लीजिए। और उसके बाद जो यहाँ पर जो बोरी होती है ना, बोरी आपको पता होगा नॉर्मल लैंग्वेज में इसको वैसे जूट बैग बोलते हैं, लेकिन नॉर्मल हम लैंग्वेज में अपने इसको बोरी ही बोलते हैं। तो मैंने जो बोरी ली है और उस बोरी में से मैंने ये एक राउंड पीस में इस तरीके से कट कर लिया है। अब जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसमें मैंने छोटे छोटे पीस कट किए हैं ताकि हम इसको जब फोल्ड करें तो ये आसानी से फोल्ड हो जाए। तो ये पूरे राउंड शेप में मैंने इसको अच्छे से फोल्ड कर दिया ताकि आगे से इसकी जो फिनिशिंग है वो अच्छे से आ जाए। उसके बाद मैंने सेंटर में इस तरीके के मिरर लगाया है। और मिरर लगाने के बाद यहाँ पर जो ये जिगजैग वाली लेस होती है, इस लेस से हम इसको डेकोरेट कर देंगे। तो यहाँ पे बिल्कुल जो मिरर था ना, बिल्कुल मिरर के जस्ट पास में लगा रही हूँ यहाँ पे। तो मिरर के ब्रश से लगाया तो मिरर के ऊपर लग रहा था, तो फिर मैंने हाथ से ही लगाना शुरू कर दिया था। और वैसे यहाँ पर चलो मिरर के ऊपर लगता है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मिरर के ऊपर वैसे भी इसके ऊपर एक प्लास्टिक की पन्नी होती है जो हम बाद में काम करने के बाद जब काम हमारा पूरा फिनिश हो जाता है तब इस पन्नी को उतार के हम मिरर को अच्छे से फिनिशिंग दे सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसको कुछ डेकोरेट किया है लैसे और जो हाफ बीड्स होती है उनसे डेकोरेट किया था। अब उसके बाद मैंने इसकी जो ऊपर की पन्नी थी मैंने इसको हटा दिया। और उसके बाद देखिए हमारा यहाँ पे एक ये डेकोर आइटम बनके बिल्कुल रेडी है। जब भी मैं कई बार वॉल पुट्टी वाला काम करती हूँ ना, तो वॉल पुट्टी कई बार थोड़ी बहुत बच जाती है, तो चला सोचा कि आज इसमें छोटा सा मैं एक यहाँ पर इस वॉल पुट्टी से ही कुछ DIY कर लेती हूँ। तो जो यहाँ पर टिश्यू रोल होता है उस टिश्यू रोल को मैंने थोड़ा छोटा कट कर लिया था। जो मेरे पास जितनी वॉल पुट्टी थी उसी के अकॉर्डिंग मैंने कट किया था। तो जब भी मेरी वॉल पुट्टी से बच जाती है, तभी दो तीन मैंने ऐसे पीस बना रखे हैं तो वैसे मैं बना लेती हूँ ताकि यहाँ पर ये वॉल पुट्टी मेरी वेस्ट ना हो। और दो तीन मैंने इसलिए बनाए थे क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसे पूरा चाहिए था एक पेयर के अंदर, इसलिए मैंने बनाए थे। तो जो वॉल पुट्टी का पेस्ट था ना, उसमें वॉल पुट्टी है और उसमें थोड़ा सा फेविकॉल है और पानी का एक मिक्सचर बनाते हुए मैंने इस तरीके से इसके ऊपर लगा दिया था। और लगाने के बाद जब थोड़ा सा ड्राई हो गया था तब मैंने इस तरीके से देखिए इसके अंदर डिजाइन डाल दिया था। ये डिजाइन इसलिए डाला है ताकि यहां पर इसका जो लुक है ना बिल्कुल पेड़ की तरह लगे। तो मैंने इसको यहां पर पूरा लुक पेड़ की तरह ही देना था। आप चाहो तो यहां पर कोई भी डिजाइन दे सकते हो। उसके बाद इसको लुक जब पेड़ का ही देना है तो कलर भी इसके ऊपर ब्राउन होना चाहिए। तो मैंने इसके ऊपर इस तरीके से ब्राउन कलर कर दिया है और करने के बाद इसको मैंने ड्राई करने के लिए रख दिया था। आप अपने अकॉर्डिंग इस पर अगर और कोई कलर करके इसको पॉट की तरह यूज़ करना चाहते हो तो वैसे भी यूज़ कर सकते हो, या फिर आप चाहो कोई भी स्टैंड वगैरह बना के यूज़ कर सकते हो। देखिए दो छोटे छोटे पहले मैंने पहले बनाए थे और एक ही मैंने बड़ा बनाया है, तो इस तरीके से मैंने एक पेयर बनाया था इनका। तो इस तरीके से देखिए जो भी सामान बच जाता है तो मैं उनको फेंकने की बजाय उनको किसी और तरीके से यूज़ कर लेती हूँ। तो यहाँ पे छोटे छोटे मुझे तो काफ़ी अच्छे लग रहे थे। उसके बाद देखिए मेरी एक ये बेटी ने ड्राइंग बनाती है, तो यहाँ पे ये वाला ड्राइंग है ना मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी। और ये थोड़ा टाइम के बाद मुझे पता था इनकी ड्राइंग ना फट जाएगी या कबाड़ में जाएगी इधर उधर, तो इसलिए मैंने ये वाला जो ड्राइंग थी ना मैंने निकाली थी। और निकालने के बाद यहाँ पे इस ड्राइंग पे कुछ हम डेकोरेट करेंगे। तो ड्राइंग को पहले मैंने एक कार्डबोर्ड पे लगाया है क्योंकि हमें इसको डेकोर आइटम बनाना है, तो कुछ थोड़ा सा इसमें स्टेबल होना चाहिए क्योंकि पेपर तो पूरा ये मुड़ जाएगा, इसलिए मैंने नीचे की तरफ एक कार्डबोर्ड लगा के इसको जो भी एक्स्ट्रा पार्ट था मैंने उसको कट कर लिया था। कट करने के बाद देखिए एक कार्डबोर्ड लिया था और उस कार्डबोर्ड पे मैंने यहाँ पर जो भी आपको थीम लिखनी है, मैंने पदारोसा लिखा है, आपको जो भी लिखनी है वेलकम या जो भी आप लिखना चाहते हो वो आप इस पर ड्रॉ कर लीजिए। और उसके बाद यहाँ पे इसके जो कॉर्नर्स थे ना मैंने इस तरीके से टेप की हेल्प से इसको सिक्योर कर लिया था।
उसके बाद देखिए मैंने एक एक क्ले मंगाई थी, ये वाली जो क्ले होती है ना, ये इसको जो हम इसको पेपर मेशी की तरह ही बोलते हैं, जो हम जैसे कांच की ये खिड़कियां वगैरह लगाते हैं तो उसमें कई बार वो आटे जैसा कुछ लगा हुआ होता है, ये लगभग उसी की तरह ही है। तो इसमें कुछ भी मिलाने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती, जैसे मोल्डेड या MC में मिलाना पड़ता है, वैसे इसमें हमें कुछ भी मिलाना नहीं पड़ता है। बस ध्यान इतना है कि जल्दी सूख जाता है, तो इसको जब काम करते हैं तो इसको पूरा ध्यान रखना पड़ता है कि सूख ना जाए, और साथ साथ में इसका जो एक्स्ट्रा है उनको भी हमें अच्छे से अपने उसको हवा से बचाते हुए हमें उसको रखना पड़ता है। अब देखिए इस तरीके से मैंने पूरे अपने हाथ से इनको बेल लिया था, और बेलने के बाद पूरा जो कार्डबोर्ड था, इस कार्डबोर्ड को हम इस तरीके से कवर कर देंगे ताकि इसके जो कॉर्नर है इसके अच्छे से फिनिशिंग आ जाए। पूरा होने के बाद यहाँ पे देखिए मैं बिल्कुल इस तरीके से छोटे छोटे कट लगाऊंगी ताकि इसमें अच्छे से कोई डिज़ाइन बन जाए, बिल्कुल प्लेन ना लगे। आप यहाँ पर प्लेन भी रख सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आपको इस तरीके का डिज़ाइन बनाए। उसके बाद जो भी मैंने यहाँ पर ये लिखा है ना, उसको देखिए मैं इस तरीके से पूरे टुकड़े में से थोड़ा थोड़ा मैं इस तरह से इसका राउंड शेप भी बनाती जाऊंगी, और यहाँ पर इसको पूरा इस तरीके से लगा दूंगी और कंप्लीट कर लूंगी। जब ये ड्राई हो जाएगा तो ड्राई होने के बाद इसके ऊपर हम पहले व्हाइट कलर करेंगे ताकि हम इसके ऊपर जो भी कलर करें तो इसका जो कलर है वो काफ़ी अच्छा निकल के आए। तो पहले मैंने व्हाइट कर दिया क्योंकि इसका जो हमने ये मोल्डेड क्ले जो यूज़ किया ना, वो किया है कि इसके ऊपर जब दूसरा कलर अप्लाई करेंगे तो ब्लैक के ऊपर बिल्कुल अच्छे से फिनिशिंग नहीं आती, इसलिए हमने इसके ऊपर व्हाइट कलर किया है। तो पहले मैंने इसके ऊपर येलो कलर किया था, फिर मुझे बाद में इस पे येलो कलर अच्छा नहीं लग रहा था इसलिए मैंने इसके ऊपर ऑरेंज कलर कर दिया था, ताकि वैसे भी हमारे जो ऑरेंज कलर है ना पेंटिंग से बिल्कुल अच्छे से ये मैच हो रहा था। अब यहाँ भी इसको प्लेन नहीं रखेंगे तो इसको भी मैंने देखिए इस तरीके से यहाँ पर इसके चारों साइड है ना, चारों साइड पे इस तरीके से ये वाली क्ले लगा ली है ताकि ये देखने में थोड़ा सा ये भी अच्छा लगे। तो क्योंकि दोनों बना रहे हैं एक पूरा सेट तो इसका मैचअप लगना चाहिए। अब उसके बाद जो हमने यहाँ पर ये नाम लिखे थे, इस नाम को हम अच्छे से हाईलाइट करेंगे और इसको इस तरीके से मैं इसको ब्लैक कलर से इसको हाईलाइट कर दूंगी। आप अपने अकॉर्डिंग जो कलर करना चाहो वो आप कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से यहाँ ऊपर जो में लगाए थे उस पर भी मैंने यहाँ पर ब्लैक कलर से अप्लाई कर लिया था। अब हमें इसको हैंग करना है तो इस तरीके से देखिए इन डोरियों को हम हैंग कर लेंगे, साथ साथ में टेप से इसको सिक्योर भी कर देंगे। नीचे वाला भी पोर्शन को हम इस तरीके से यहाँ पर हैंग कर देंगे। तो मैंने इसको इतना ही हैंग किया है, आप चाहो तो इसके नीचे और भी टसल वगैरह लगा के इसको और हैवी लुक दे सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पर इसको इतना ही लुक दिया है ताकि यहाँ पर ये कुछ ज़्यादा लंबा ना लगे। बाकी आप अपने अकॉर्डिंग पसंद के अकॉर्डिंग बना सकते हो, मैंने सिर्फ आपको आइडियाज़ दिए कि आप इस तरीके से कोई भी टसल ये झुमके वगैरह होते हैं उनको लगा के आप इस तरीके से डेकोरेट कर सकते हो। कुछ मैंने देखी यहाँ पर मिरर्स और स्टोन से इनकी पगड़ी वगैरह थी उनको भी मैंने डेकोरेट कर दिया है। तो देखिए एक सिंपल सी ड्राइंग से हमने किस तरीके से अपने घर के लिए डेकोर आइटम बना लिया है। तो ये बनने के बाद काफी अच्छा लग रहा था। मैंने यहां पर बिल्कुल मेरा जो मेन गेट है उसके जस्ट सामने ही इसको लगाया था। उसके बाद देखिए छोटे छोटे आइडियाज होते हैं, हम इनको देखिए बिल्कुल सिंपल तरीके से बना सकते हैं। कुछ नहीं करना, आपको एक लिड लेनी है, एक रो लेनी है, उन दोनों को आपस में चिपका के आपको जो कलर पसंद हो उसके अकॉर्डिंग उस पर कलर कीजिए और उसमें फ्लावर डाल दीजिए। देखिए छोटा सा बिल्कुल हमारा डेकोर आइटम बन के बिल्कुल रेडी है, और सिर्फ 5 मिनट भी नहीं लगेंगे आपको इसको बनाने में, तो ये बहुत जल्दी और बन जाता है, और इसमें ज़्यादा सामान भी नहीं खर्च होता, और ये जो सामान है वो हर किसी घर पर अवेलेबल भी मिल जाता है। उसके बाद जो टेप रोल होती है, मैंने यहाँ पर एक ये टेप रोल लिया है, और टेप रोल लेने के बाद यहाँ पर एक ये टिश्यू रोल लिया था, ये फॉइल पेपर रोल लिया था जिसको मैंने कट कर लिया था। तो यहाँ पर देखिए मैंने उसको चिपकाने से पहले ही मैंने वॉल पुट्टी और ये इसका मिक्सचर बना लिया था, लेकिन ये आपको काम बाद में करना है तो मैंने पहले ही इसको बना लिया था। तो यहाँ पे देखिए वॉल पुट्टी और उसमें मैंने फेविकॉल मिलाते हुए इस तरीके से थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और उनका एक मिक्सचर हम इस तरीके से रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पे जब बनाने के बाद हमें इसको क्या करना है, इस तरीके से जो हमने टेप रोल लिया था इसको पहले एक नीचे कार्डबोर्ड पे चिपका लेना है, अच्छे से चिपक जाएगा, और जो हमने फॉइल रोल लिया था उनको भी हमें इस तरीके से अंदर की तरफ थोड़ा न्यूज़पेपर डाल देंगे ताकि अच्छे से ये स्टेबल हो जाए, उसको भी हम चिपका लेंगे। तो सारा काम ये चिपकाने के बाद ही हमें यहाँ पर उस वॉल पुट्टी
वाले मिक्सचर को बनाना था, क्योंकि पड़ा पड़ा वही वो क्या है, वो ड्राई हो जाता है, तो वापस से हमें उसको पानी डाल के वापस से उसके मिक्सचर को रेडी करना पड़ता है। तो मैंने यहाँ पर इसको पहले ही बना लेते, चलो कोई नहीं, उसको मैंने थोड़ा सा पानी डाल के मैं इसको वापस सेट कर लूँगी। ये देखिए छोटे छोटे पीस थे, इनको इस तरीके से हमें अरेंज करना है, जैसे पेड़ की टहनी होती है वैसे ही हमने इसको इस तरीके से अरेंज किया है, और इनको अच्छे से जॉइंट कर लेंगे। जॉइंट के लिए मैंने न्यूज़पेपर से ही देखिए इनको इस तरीके से कवर कर दिया है, ताकि ये बिल्कुल भी गिरे ना। अच्छे से फेविकोल से जब चिपक जाए, जब ड्राई हो जाए, तब हमें यहाँ ये वाला पेस्ट अप्लाई करना है। मैं इसको हाथों से ही अप्लाई कर रही हूँ, कि हाथों से काफ़ी इजीली लग जाता है, लेकिन अगर आप हाथ से नहीं लगाना चाहते तो नॉर्मल जो हमारे पेंट ब्रश होते हैं आप उनका यूज़ कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर देखिए ये कर लिया है, इससे फिर से मैंने जो डंडा था ना, उस डंडे के ऊपर मैंने फिर से जो पेड़ वाली टहनी होती है उसकी तरह इसका लुक दिया था। और यहाँ पर जो ये मैंने क्ले ली थी, इस क्ले से हम छोटे छोटे यहाँ पे क्या करेंगे, एक दो एनिमल्स बनाएंगे। आप कोई भी एनिमल्स बना सकते हो, तो मैं यहाँ पर ये एनिमल्स इस तरीके से यहाँ पर इसका मुंह और ईयर बनाते हुए पूरा बॉडी इसके ऊपर रेडी कर लूँगी। आप चाहो तो डायरेक्ट उसी पे लगाते हुए उनको चिपका सकते हो, लेकिन मैंने एक बार साइड में बना लिया था ताकि पता लग जाए कि मैंने सही बनाया है नहीं बनाया, तो उसके अकॉर्डिंग मैं उसके ऊपर सेट कर दूँगी। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से मैंने इसको बना दिया है। बनाने के बाद इसको हम थोड़ा देर के लिए ड्राई करने के लिए रख देंगे, ताकि जब हम इसको उठाएं इजीली उठा सकें। कुछ देखिए मैंने इस तरीके से यहाँ पर, जब ये हमारा वॉल पुट्टी वाला मिक्सचर ड्राई हो जाएगा, तब हमें यहाँ पे इसके ऊपर जो हमने एनिमल्स बनाए हैं इनके ऊपर लगा देंगे, और इनको अच्छे से हम इस तरीके से सेट कर देंगे, ताकि बिल्कुल भी यहाँ पर जो हमने लगाए हैं वो बिल्कुल इसके ऊपर सेट हो जाए। और इस तरीके से छोटे छोटे मैंने हाउस भी बनाए हैं, वो भी हमें इसके ऊपर इस तरीके से लगा देने हैं। आप चाहो तो कोई बर्ड्स वगैरह जो भी लगाना चाहते हो वो आप अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हो। उसके बाद छोटे छोटे पीस आप देखिए इस तरीके से इसको लगा सकते हो, ताकि पेड़ पर ही इस तरीके से लगे कि इसकी जो टहनियाँ होती हैं वो कुछ निकल रही है। कुछ फ्लावर्स बनाए हैं मैंने इसके ऊपर, और लीव्स बना के इसको 3D लुक दिया है। और यहाँ पर नीचे की तरफ भी देखिए, जो मेरा लास्ट मिक्सचर बच गया था ना, उस मिक्सचर को मैंने यहाँ पे इसके ऊपर घास की तरह इस तरीके से लगा दिया है, ताकि मेरा जो मिक्सचर है वो बिल्कुल भी वेस्ट ना जाए। उसके बाद मैंने इसके ऊपर देखिए ये ब्राउन कलर ही किया है, क्योंकि हमें यहाँ पे इसको ब्राउन कलर ही शो करना है। लेकिन बाकी जो चीज़ें अलग अलग है, जैसे लीव्स फ्लावर वगैरह, उनको हम अलग अलग कलर से इनको सेट कर लेंगे। तो यहाँ पर पहले नीचे जो एनिमल बनाए थे उन पे कलर किए हैं, फिर जो भी हमने लीव्स वगैरह बनाई थी उनके ऊपर भी मैंने ये कलर कर दिया था। ये वाला जो आइटम है मैंने फ्लिपकार्ट पे देखा था, तो उसी को देख के ही मैंने ये बनाया है। तो यहाँ पे फिर उसको देख के मेरे दिमाग में आइडिया था कि जिसको तो मैं घर पे ही बना सकती हूँ, तो फिर फालतू के पैसे क्यों लगाए। तो ये जो फ्लिपकार्ट पे था ना, ये 200 का था, तो मैंने इसको देखे इस तरीके से बिल्कुल कम रेट के अंदर ही मैंने इसको घर पे बना लिया था। तो यहाँ पे देखिए हमारा एक छोटा सा ये डेकोरेटिव पीस बनके बिल्कुल रेडी है। अब जो बीच का पोर्शन था उसके अंदर हमने इस तरीके से ये छोटा सा पॉट रख के इसको डेकोरेट कर लिया है। उसके बाद देखिए हमने कुछ बैंगल्स ली हैं, तो यहाँ पे कोई भी बैंगल्स ले लीजिए, लेकिन इनका साइज सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे इनको इस तरीके से मैं थ्रेड से इसको बांध रही हूँ। आप चाहो तो यहाँ पे कोई सेलो टेप का भी यूज़ कर सकते हो। थ्रेड से इसे लगाने के बाद हमें इसके ऊपर कलर करना है। अगर आपकी यहाँ पर प्लेन मेटल की चूड़ी है तो आपको कलर करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपके पास जो कलर की है उस कलर के अकॉर्डिंग आप बना सकते हो। फिर उसके ऊपर मैं मिरर से डेकोरेट किया है। उसके बाद ये बोतल का कुछ टुकड़ा लिया था ऊपर वाला, और इसको भी मैंने जूट रोप से और लैस से मैंने इस तरीके से इनको डेकोरेट कर लिया है। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से कुछ मिरर भी लगाए हैं, ताकि यहाँ पे इसका जो पार्ट है वो देखने में थोड़ा सा अच्छा लगे, सिंपल बिल्कुल भी ना लगे। ऊपर का पोर्शन था ना, उसके ऊपर यहाँ पर आपको कोई कार्डबोर्ड वगैरह से या तो आप सिक्योर कर लीजिए, या इस तरीके से मेरी तरह कोई भी लिड लेके इसको इस तरीके से डाल लीजिए, ताकि हमारा जो धागा है वो ऊपर की तरफ ना निकले। उसके बाद वन बाई वन हम क्या करेंगे, इसके अंदर नॉट लगाते हुए इसको बांध देंगे। तो यहाँ पे मैं इस तरीके से इस पर नॉट लगा रही हूँ, और नॉट लगाने के बाद ही हमारा एक पीस लटकन रेडी हो जाएगी। वैसे ही हमें सारे पीसेस को इस तरीके से रेडी कर लेना है। और देखिए हमारा छोटा सा एक ब्यूटीफुल सा हैंगिंग वॉल हैंगिंग बन के बिल्कुल रेडी है। आज के डेकोरेटिव आइटम यहीं पूरे होते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर बिल्कुल भी मत जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।